नमस्कार दोस्तों, अगर आप योनो पर रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं और आपकी इंटरनेट बैंकिंग नहीं चलती, आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, तो आप अपने अकाउंट डिटेल्स के माध्यम से भी योनो में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अंदर हल्का सा चेंजेस ये है कि आपको एक बार ब्रांच को विजिट करना होता है। देखिए, जब भी आप योनो अकाउंट डिटेल से रजिस्ट्रेशन कराएं तो अपने पास अपनी पासबुक रखिएगा, क्योंकि कुछ डिटेल्स CIF नंबर और अकाउंट नंबर आपको फीड करने होंगे। जब आप योनो रजिस्ट्रेशन का दो प्रोसेस होता है, पहले प्रोसेस पे आप डिटेल्स डाल देंगे तो आपके पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। वो रेफरेंस नंबर लेके आपको ब्रांच में जाना है। ब्रांच जब उस रेफरेंस नंबर को अप्रूव करेगी तो आपके पास एक एक्टिवेशन कोड आएगा, वो आपको संभाल के रखना है और फिर आपको योनो में सेकेंड प्रोसेस करना है। आइए हम लाइव डेमो देखते हैं कि किस तरीके से योनो रजिस्ट्रेशन हमें करना है। आपको सबसे पहले योनो ऐप ओपन कर लेना है। योनो ऐप में आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर में जाना है, फिर रजिस्टर्ड विद अकाउंट डिटेल्स आपको सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें तीन स्टेप्स रहेंगी। अब रजिस्टर पे सबसे पहले विंडो पे आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सबमिट की बटन पे क्लिक करेंगे। एक आपके पास OTP नंबर आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर, वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये नंबर एंटर करने के बाद आप सिस्टम में आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाने के बाद सबसे पहले तो आपको राइट सेलेक्ट करने हैं कि ट्रांजेक्शन राइट में व्यू राइट चाहिए या क्या चाहिए। फिर अगली स्क्रीन पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेने हैं, यानी कि जो भी आप चाहते हैं। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि पासवर्ड और यूज़र नेम थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो। फिर नेक्स्ट की बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। इस रेफरेंस नंबर को लेके आपको ब्रांच में जाना है। ब्रांच इस रेफरेंस नंबर को जब अप्रूव करेगी तो आपके पास एक मैसेज आएगा जिसके अंदर की आपका एक्टिवेशन कोड रहेगा योनो का। आप इस एक्टिवेशन कोड को कहीं पर नोट कर लें। फिर इसके बाद आपको योनो ऐप को ओपन करना है। योनो ऐप पे आप ओपन करेंगे तो पहले ही स्क्रीन पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आई हैव एक्टिवेशन कोड, तीसरे नंबर का, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। और फिर उस पर तब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो यूज़र नेम आपने शुरू में डाला था और पासवर्ड डाला था, वो यहाँ आपको डालना है और एक्टिवेशन कोड भी यहाँ आपको डालना है। एक्टिवेशन कोड डालने के बाद आपको सबमिट की बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट की बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको आगे बढ़ाएगा। अब यानी कि आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा कि अब आपका योनो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, आप होम स्क्रीन पे जाके लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पर आपने को नया पासवर्ड डालने के लिए सिस्टम कहेगा। अब यहाँ पर आप एम पिन सेट कर सकते हैं, जो कि नया ऑप्शन दिखेगा एम पिन। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आप एक्सेप्ट करके नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको 6 डिजिट का एम पिन एंटर करना है। ये याद रखिएगा कि वो 6 डिजिट का एम पिन सिंपल ना हो, थोड़ा बहुत कठिन हो, जो कि ईजीली गैस नहीं किया जा सकता हो। फिर आप नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करने के बाद तो आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, यानी अब आप योनो ऐप को अपने एम पिन के माध्यम से ओपन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।